अब व्यापम बंद, अब नौकरियों में मिलेगी पारदर्शिता। हाँ पता है, अब करेंगे स्टार्टअप चालू, क्योंकि पूरे 4,000 रुपए महीना स्वरोजगार सहायता जो मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा, अब मुझे भी टेम्पररी संविदा नौकरी की टेंशन खत्म, अब मिलेगी पक्की नौकरी और पक्की तनख्वाह। और तो और, अच्छी सैलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब्स यहीं आएंगे। कांग्रेस सरकार देगी हमारी तनख्वाह में 10,000 तक का योगदान। ये बात तो बोलो यारो, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छतरपुर के विद्युत विभाग में पिछले 8 साल से जमे जूनियर इंजीनियर राजेश खरे की गंभीर शिकायत हुई है। उन पर आरोप है कि वे लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, 8 साल से एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण उन्होंने छतरपुर में अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। छतरपुर के बजरंग नगर में रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह ने निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश छतरपुर कलेक्टर, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण केंद्र को भेजी गई एक शिकायत में कहा है कि राजेश खरे अपने राजनीतिक रसूख के कारण पिछले 8 वर्षों से छतरपुर विद्युत विभाग में ही पदस्थ हैं। ग्रामीण विद्युत सरकारी समितियों के खत्म होने के बाद कंपनी में विलय होने के साथ वे वर्ष 2010 में छतरपुर विद्युत शाखा में नियुक्त हुए थे। तब से एक बार भी उनका तबादला कहीं भी नहीं हुआ है। मेंटेनेंस विभाग को देखने की अहम जिम्मेदारी उनके पास है, जिसमें करोड़ों रुपए की खरीदारी भी होती है। एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण उन्होंने छतरपुर में अकूत दौलत इकट्ठी कर ली है। कई बार विभाग को उनकी शिकायत की गई, लेकिन विभाग भी उन पर कोई कार्यवाही से बचता रहा। कलेक्टर छतरपुर से भी इनके कारनामों की शिकायत की गई है। देखिए, शिकायत आती है, शिकायतों की हम जांच कराते हैं और जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। शिकायतों में विभाग के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर राजेश खरे की तनख्वाह वर्तमान में लगभग 35,000 रुपए है। इतना कम वेतन होने के बाद भी उन्होंने छतरपुर में बड़े पैमाने पर संपत्ति इकट्ठी कर ली। शिकायत में कहा गया कि राजेश खरे के पास करोड़ों की संपत्ति है। शिकायतकर्ता ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त और लोकायुक्त को भी इनके बारे में शिकायत की है। बिजली विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि खरे लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं। कार्यालय में किसी के द्वारा वो शिकायत रिसीव कराई गई है कि जो चुनाव के संबंध में, तो उसकी जांच की जाएगी। यदि सर सही पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी? सही पाई जाएगी तो फिर उसमें कार्रवाई के लिए ऊपर वरिष्ठ कार्यालय वरिष्ठ अधिकारी को ले किया जाएगा। 8 साल से आपके यहाँ पर पदस्थ हैं, लेकिन अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं हुई, क्या कारण है इसे? हाँ, ये तो है, चूँकि ये सोसाइटी के कर्मचारी हैं, तो ये तो मतलब उनकी पदस्थिति जो है, सोसाइटी का जो पूरा एरिया था तो वो छतरपुर जिले के नौगांव एरिया में ही था, और जब मर्जर किया गया था तो यहीं छतरपुर में ही किया गया। शिकायतकर्ता ने तत्काल राजेश खरे को छतरपुर से हटाए जाने की मांग की है। इसी तरह एक शिकायत लोकायुक्त एवं आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति की जांच करने की मांग की गई है। अब देखना यह है कि इन शिकायतों पर निर्वाचन आयोग एवं अन्य विभाग एक्शन लेते हैं या इसके रसूख में दब जाते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देखो, अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन।
स्वावलंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा, क्योंकि हमारे स्व सहायता समूह के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत। अरे अब मेरी बेटी की संपूर्ण शिक्षा होगी निशुल्क और अब महिला स्वास्थ्य में आएगी नई क्रांति, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन होंगे निशुल्क उपलब्ध। तो बताओ हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे गोपाल, क्या पढ़ रहे हो भाई? अरे दद्दा, आप किसी भी किसान भाई को उम्मीद नहीं हारनी है, हर किसान का कर्जा होगा माफ। और दद्दा हाँ, अब मुआवजे के लिए हाथ फैलाना बंद, अब हमारा और हमारी फसलों का होगा बीमा पूरे 5 लाख तक का। और बिजली मिलेगी पूरी और बिल होगा आधा। हाँ भैया, सब्जी अनाज दूध उत्पादन का बोनस सीधे अपने खाते में। अब बुढ़ापे की चिंता खत्म, 1,000 रुपए महीना पेंशन जो मिलने वाली है। हाँ तो बोलो भाइयों, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।